ठीक है, तो ये ओस्मोसिस में जो फ्लो है सब्सटेंसेस का रुकता नहीं है कभी भी, सम कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सेम कंसंट्रेशन लेवल आ जाता है तो ये फ्लो रुक जाता है। तो ये डिफरेंस था डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में, वो नॉन लिविंग में होता है और ये हमारा किस में होता है, लिविंग में भी होता है, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। सेकंड बात हमारे पास आती है, क्या आती है कि मैं भी बताया था किसी भी सेल का बिहेवियर देखना है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, कि कोई भी सेल जो है हमारी किसी सॉल्यूशन के अंदर कैसा बिहेवियर करती है, कैसा मतलब उसका नेचर होता है यदि हम किसी सॉल्यूशन में रख देंगे, ठीक है। बिहेवियर ऑफ ए सेल इनसाइड ए सॉल्यूशन। देखो हमें ना जनरली तीन टाइप के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे? एक तो हमारा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सबसे पहला जो है हमारा हाइपरटोनिक, तीन टाइप के सॉल्यूशन मैंने बताए, हाइपर, हाइपो एंड आइसो। हाइपर सबसे पहले देखेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ना उसमें देखो हाइपर का मतलब होता है हाई, हाइपर का मतलब क्या होता है भाई, हाई होता है। तो इसमें जो भी कंसंट्रेशन है ना सब्सटेंसेस की वो क्या होगी, हाई होगी। मतलब कोई भी सेल यदि इस सॉल्यूशन के अंदर हम रखेंगे तो ठीक है, सेल के अंदर की साइड तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हाई रहेगी। बट ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो पानी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब लो रहेगी। अदर्स क्योंकि एक सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा, मान लो सॉल्वेंट वाटर का काम, वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, आउटसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन कम रहेगी और इनसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज़्यादा। मतलब इनसाइड द सेल ये कह सकते हैं डायल्यूट कंडीशन प्रेजेंट रहेगी और बाहर कौन सी कंडीशन प्रेजेंट रहेगी, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब पानी कम रहेगा। तो होगा क्या कि जो मोमेंट है पानी का वो कैसे हो जाएगा, हाई टू लो, बाहर का सेल के अंदर का पानी बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और जैसे सेल का अंदर का पानी बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो हमारी सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये बिहेवियर है किसी भी सेल का यदि हम किस उसको कहाँ रख देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल्स हमारी कैसी हो जाएगी भाई, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, डेफिनेशन यही हो जाएगी कि भाई इसमें जो पानी की कंसंट्रेशन है आउटसाइड द सेल इज लो बट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज हाई, देन द नेट मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड द सॉल्यूशन, ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी लिखवा रखी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा जो सॉल्यूशन आता है वो आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है लो। अब की बार हमारी जो सेल है ना उसके अंदर की साइड तो पानी क्या होगा, कम होगा, लो, मतलब सेल के अंदर की साइड कंसंट्रेटेड कंडीशन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और बाहर की साइड कैसी कंडीशन प्रेजेंट होगी, डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन, मतलब पानी ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर। तो पानी कैसे फ्लो करेगा आपके पास, हाई टू लो, आपकी बाहर का पानी सेल के अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाएगा तो हमारी सेल्स क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, टर्जिट हो जाएगी। तो कई बार ये सेल ज़्यादा ही पानी फ्लो हो जाता है तो ब्रेस्ट भी कर जाती है, फट जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है किसी भी सेल की जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने नोट्स में लिखवाई दी है कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सेल के बाहर की साइड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई एंड सेल के अंदर की साइड जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो क्या होती है, कम होती है, नेट मोमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल एंड सेल बिकेम टर्जिट या स्वेल। आया समझ में, ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जब इसमें आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, हाइपो का मतलब लो,
एंड हाइपर का मतलब मैंने बताया था कि हाई, ठीक है। अब की बार जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में और सेल के अंदर जो पानी की, जो वाटर की कंसंट्रेशन रहेगी, दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। बाहर की साइड सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन सेम है और अंदर जो सेल के अंदर की जो वाटर कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, सेम है। तो नेट मोमेंट ऑफ वाटर इज जीरो, पानी फ्लो ही नहीं करेगा, ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, ना सेल का जाएगा और ना इसका पानी का सॉल्यूशन का अंदर आएगा। तो हमारी जो सेल की जो शेप है वो एज इट इज रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, ना वो फटेगी मतलब ब्रेस्ट भी नहीं होगी, ना वो श्रिंक होगी। तो ये था हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि आपसे कोई पूछता है तो डेफिनेशन दे दो, डायग्राम बना दो और ये बता दो उसको कि आइसोटोनिक दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन देयर इज नो नेट मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ सॉल्यूशन या सेल, ठीक है। एंड देर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ द सेल्स, हमारी सेल की शेप में भी कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये थे हमारे तीन टाइप के सॉल्यूशन, बिहेवियर ऑफ ए सेल्स इनसाइड ऑफ ए सॉल्यूशन, दैट इज क्लियर।